इंट एंड एक्सटीरियर। ओ सो यू आर देयर। सो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि स्क्रिप्ट राइटिंग क्या चीज़ है, स्क्रीन प्ले क्या चीज़ है, स्टोरी मोड क्या है और मोड बोर्ड क्या होता है। मैं भी स्क्रिप्ट ही लिख रहा था, सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हम बात कर रहे थे मोड बोर्ड के ऊपर। मोड बोर्ड बेसिकली स्टोरी बोर्ड ही है, लेकिन उसमें फ़र्क यह है कि स्टोरी बोर्ड में आप ड्राइंग्स खुद बनाते हैं। स्टोरी बोर्ड बहुत ही बेसिक और रॉ फॉर्म है और बहुत ही स्क्रैच से स्टार्ट होने वाली चीज़ है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब आपने फिल्म लिख ली है और आपको पास कोई रेफरेंस नहीं है या कुछ स्पेसिफिक फ्रेम्स आपके अपने माइंड में हैं या कोई ऐसी चीज़ है जो आप पहली दफ़ा करने जा रहे हैं, उसके कोई रेफरेंस आपको मिल नहीं रहे, तो फिर आप एक आर्टिस्ट को हायर करते हैं जो आपको ड्रॉ करके देता है, या आप अगर खुद कर सकते हो तो आप खुद करते हैं। इसमें वो डिफरेंट ड्राइंग्स बना के देता है, आपको फ्रेम बना के देता है और कैमरा एंगल्स बना के देता है। वो फिर आपकी डिस्कशन होती है आपके डीपी के साथ। अब ये डीपी कौन है और कुछ गलत मत समझिएगा, इसके बारे में भी हम आपको फर्दर आगे वीडियोज़ के अंदर बताएंगे। अभी हम बात करेंगे मोड बोर्ड की दोबारा से। तो मोड बोर्ड है वो रेफरेंस से बनता है। आप कुछ एग्जाम्पल्स दे सकते हैं, मेरी स्क्रीन पर चल रही होंगी और नीचे लिंक भी अवेलेबल है, आप वहाँ पर भी जाके देख सकते हैं। तो आप ऐसे एड्स या ऐसी वीडियोस या ऐसे फ्रेम्स इंटरनेट से या कहीं किसी और लाइब्रेरी से ढूंढते हैं या अपने पुराने काम से, जो कि सिमिलर हैं उस सीन के मुताबिक जो आपने लिखा है या आप शूट करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पास केस में था कि अदील है, आयशा है, वो एक रेस्टोरेंट में है, उनकी डेट हो रही है, तो आप उस तरह की कोई स्टोरीज या लव स्टोरीज या जो भी आपको कहानी मिलेगी वो आप इंटरनेट से ढूंढेंगे, आप उसके रेफरेंसेस निकालेंगे। जो जो सीन्स, जो जो कैमरा शॉट्स आपको चाहिए या जो जो आपको सेट डिज़ाइन चाहिए, आप उसके पिक्चर्स लेंगे, आप फ्रेम बनाएंगे और आप सेट कर देंगे बेस्ड ऑन द टाइमलाइन ऑफ द स्टोरी। इसको हम कहते हैं मोड बोर्ड। ये बहुत ही ज़रूरी है आपको अपने डीओपी को दिखाने के लिए, आपको अपने क्रू को दिखाने के लिए, आर्ट डिज़ाइनर स्पेशली, और उसके अलावा आप अगर किसी को पिच कर रहे हैं, प्रोड्यूसर को, इट्स अ वेरी इनिशियल, या किसी क्लाइंट को, इट्स अ वेरी इनिशियल डॉक्यूमेंट दैट यू पिच देम, सो उनको एक आइडिया हो सके कि चीज़ जो है वो किस तरह की बन के निकल के आएगी। और ये स्क्रीन प्ले के साथ बहुत ज़रूरी होता है। और कई दफ़ा आप सिंपल स्क्रीन प्ले के सिनॉप्सिस और मोड बोर्ड के साथ भी जा सकते हैं पिचिंग के लिए। इसके बाद आता है स्टोरी बोर्ड, जो पहले मैं आपको बता चुका हूँ कि उसमें ओरिजिनल ड्राइंग्स होती हैं, उसका सैम्पल भी अब आप देख सकते हैं। अगर आप नीचे लिंक्स पे जाएं तो आपको स्टोरी बोर्ड का भी सैम्पल मिल जाएगा। सो जो स्टोरी बोर्ड है उसमें होता ये है कि आप कहानी जो राइटर है उसके साथ बैठ के डिस्कस करते हैं और डायरेक्टर जो है वो आपको फिर गाइडलाइंस बताता है कि इस कहानी के इस डायलॉग के ऊपर या इस मोड के ऊपर मुझे इस तरह के फ्रेम्स सूटेबल लगते हैं जो कि कहानी को बताएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल, एक शख्स बैठा है, वो उसने कोई ड्रग ट्राई की है फॉर द फर्स्ट टाइम, सो डायरेक्टर चाहेगा कि वो उसके आँखों का शॉट ले, क्लोजअप शॉट ले, उसकी आँखें जो हैं वो बड़ी हो रही हैं, उसके माथे से पसीना छूटना शुरू हो गया है, फिर कमरे में कोई और आता है अचानक से, वो देखता है, तो वो ये सारे जो फ्रेम्स हैं वो हो सकता है आपको कोई रेफरेंस ना मिले तो आपको इनको ड्रॉ करवाना पड़ता है। तो ये होता है आपका स्टोरी बोर्ड। अब जब ये सारी चीज़ें जो हैं वो वजूद में आ जाती हैं, आपका मोड बोर्ड हो गया, आपका स्टोरी बोर्ड हो गया, आपका स्क्रीन प्ले हो गया, फिर इसके बाद आपकी क्रू के साथ मीटिंग है ऑब्वियसली, जिसमें आप प्री प्रोडक्शन, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जो चीज़ है प्रोडक्शन डिज़ाइन, वो उसकी तरफ आप आते हैं। इसमें कुछ रोल्स हैं, कुछ कैरेक्टर्स कह लें आप, क्रू मेम्बर्स कह लें, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसके ऊपर हम एक छोटी सी वीडियो बनाएंगे जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि क्या उन कौन सी जॉब डिस्क्रिप्शंस होती हैं किसी भी सेट के ऊपर और किसका क्या रोल होता है और वो क्या प्ले करता है। तो इस वीडियो में इतना ही। मज़ीद है कि आपको काफ़ी हद तक समझ लगी होगी। अगर आपको स्टिल कोई क्वेश्चन है आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अगली वीडियोज़ भी देख कर मज़ीद फ़ायदा उठाएंगे। थैंक यू सो मच।